अबू बकर बच्चा पकड़ रहा था सर मैं। ग्यारह दिन के बिटिया नहीं आज बढ़ ही रहा और रात में बच्चा गायब। स्कूल के बच्ची से तूने पूछा ना बेटा तू क्या कर रहा है कहाँ पर है तू कौन होता है पूछने वाला। अब जानवर ले गया है या कोई क्या है अभी जांच पुलिस आई है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। बच्चा चोरी की अफवाह इस कदर फैल चुकी है कि हर कोई अपने बच्चों को लेकर डरा सहमा हुआ है। क्या यूपी, क्या बिहार, क्या झारखंड, क्या उत्तराखंड और अब महाराष्ट्र के भिमंडी में भी बच्चा चोरी के आरोप में एक युवक को लोगों ने पकड़ लिया। वहीं बच्चा चोर समझकर अब तक कई लोग भीड़ के हत्थे भी चढ़ चुके हैं और इनकी पिटाई भी हो चुकी है। बाद में पता चला कि ये बच्चा चोर नहीं है। आपको बता दें कि 12 दिन की बच्ची को लेकर अब उसकी माँ सो रही थी लेकिन ये 12 दिन की बच्ची अचानक गायब हो गई है। ये खबर भी हम आपको बताएंगे लेकिन सबसे पहले आपको महाराष्ट्र के भिमंडी शहर की खबर बताते हैं। महाराष्ट्र के भिमंडी में भी बच्चा चोरी के आरोप में एक युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। भिमंडी के चौहान कॉलोनी में एक स्कूल है और वहीं पर एक स्कूली बच्ची से ये शख्स पूछताछ कर रहा था कि तुम कहाँ रहती हो और कब स्कूल आती हो, कब स्कूल से जाती हो। इसी दौरान बताया जा रहा है कि बच्ची के पिता ने इसे देख लिया और सीसीटीवी के मदद से इस युवक को पकड़ लिया। बच्चा चोरी की खबर सुन सुनकर लोगों के दिलों में डर बैठ गया है। इसी वजह से जब इस युवक को पकड़ा गया तो देखते ही देखते वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई। हालांकि इस युवक को भिवंडी पुलिस को सौंप दिया गया है और पुलिस इस युवक को अपने साथ लेकर चली गई है। वहीं 12 दिन की बच्ची को लेकर उसकी माँ सो रही थी लेकिन रात करीब 3 बजे के आसपास में जब बच्ची की माँ की नींद खुली तो ये बच्ची गायब थी। गांव में खबर आग की तरह फैल गई और मौके पर पुलिस को भी बुलाना पड़ा। मामला यूपी के गोंडा के पथवलिया निविहा गाँव का है। मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों ने खेतों में छान मारा लेकिन 12 दिन की बच्ची का कुछ पता नहीं चला। ऐसे में सवाल उठने लगा कि आखिर ये 12 दिन की बच्ची कैसे गायब हो गई। वहीं लोग ये भी अंदेशा लगा रहे हैं कि हो सकता है कि बच्ची को कोई जानवर उठा ले गया हो या फिर कोई बच्चा चोर भी ले जा सकता है। बहरहाल ये पूरा मामला पुलिस जाँच का है और पुलिस जाँच में ही सच सामने आएगा। पीड़ित परिवार ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाते हैं। 11 दिन के बिटिया रही आज बढ़ ही रहा और रात में बच्चा गायब हो गया। कहाँ सो रहे थे आप लोग? हम लोग घर ही सोते हैं। बच्चा लगा रही है बिटिया लगा रही तो वो जान नहीं पाई। हाँ फिर कब जानी? सवेरे करीब 3 बजे जानी। कैसे सो रही थी? अब सोच रहे साहब जो सो जाते तो सोच रहे पेट पिरा था सो गई और बच्चा को नहीं आप सूचना दी? ये हमारे गांव निविहा में अभी सूचना मिली है कि रात में एक 12 दिन की लड़की थी और गायब हो गई। अब जानवर ले गया है या कोई क्या है अभी जांच पुलिस आई है करेगी और कर रही है। क्या बच्चे इनके हैं? क्या नाम है? इनका नाम है परशुराम, पिताजी का नाम मतऊ है। कई बच्चे हैं अभी जानकारी? छह बच्चे ये मिला के। क्या ये इनका जो मकान बना है ये पीएम आवास से मिला था? ये आवास पाए हैं मगर दरवाजा नहीं लगा है। अब ये नहीं लगाए या लगवा रहे हैं अभी प्लास्टर भी नहीं हुआ है। क्या इनको पूरा पैसा पूरा पैसा मिल गया है? सारी किस्तें पा गए। लेकिन जिस तरह से बच्चा चोरी की अफवाह फैल रही है इस पर आप लोग बिल्कुल भी ध्यान ना दें। लेकिन साथ ही आपको ये भी कहेंगे कि अपने बच्चों पर पैनी नज़र रखें कि वो किससे मिल रहे हैं, कब स्कूल जा रहे हैं, कब स्कूल से आ रहे हैं। अपने बच्चों की देखभाल जरूर करें।